चलें, लेट मी स्टार्ट विद दिस। आई होप दैट आपको उनको रिपोर्ट का टेम्पलेट जो है वो नज़र आ रहा होगा, राइट। सो तो मार्केटिंग टर्म रिपोर्ट का टेम्पलेट जो है वो ये है। पहला पॉइंट जो है वो बेसिकली कवर पेज को डिस्क्राइब करता है कि जो जो फर्स्ट पेज है, कवर पेज है आपकी रिपोर्ट का, वो किस तरह से होना चाहिए, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये एक जनरल टेम्पलेट था जो कि मैंने बनाया था। इसमें ये कि जो है दैट रिपोर्ट टेम्पलेट वाज बेसिकली डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड के जो है जो कि बाकी स्टूडेंट्स को भी मैंने जो है वो दूसरे सेशंस में या दूसरे सेमेस्टर्स में मैं ऑप्शन देता था, वो ये था कि अगर अगर आपको मार्केटिंग का प्रोजेक्ट करना है तो यू हैव फोर चॉइसेस। लेकिन ये आपके पास नहीं है, ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है। यू बेसिकली हैव टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। लेकिन जो रिपोर्ट जो टेम्पलेट थी वो इस तरह से डिज़ाइन थी कि आई स्पेसिफिकली आस्क माई प्रीवियस स्टूडेंट्स टू दैट दे हैव अ चॉइस। नंबर वन, आइदर यू क्रिएट अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज ऑफ योर ओन, कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, अपनी सर्विस लॉन्च करें। सेकेंड, दैट दे हैव टू रिवाइव अ डेड प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि मार्केट से ख़त्म हो गया या एलिमिनेट हो गया, अब नज़र नहीं आता, पुराना कोई प्रोडक्ट जो कि जो है वो आप बचपन में कभी इस्तेमाल करते थे, अब वो नहीं मिलता आपको, तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट प्रोडक्ट एंड यू हैव टू रिवाइव इट, विच मीन्स कि जो है आप उसको दोबारा ज़िंदा करें, उसकी सारी जो है वो सारी डिटेल्स वो सब जो है वो आप उसको वो करें, उसको दोबारा जो है वो लॉन्च करें, ठीक है। थर्ड जो है वो ये है कि जो है यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग डाउन इन द मार्केट, ठीक है, एंड उसको आप उसको जो है उसको बूस्ट करें, उसकी सेल बूस्ट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑलरेडी डूइंग गुड इन द मार्केट एंड यू हैव टू रीवैम्प इट, उसको जो है उसको तब्दील करें। तो ये चार ऑप्शन मैं स्टूडेंट को देता था और मैं कहता था कि आई प्रेफर कि जो है आप अपना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करें। तो उसके हवाले से जो है ये जो है रिपोर्ट जो है वो डिज़ाइन की गई थी। तो दैट्स वाई यू कैन गेट टू सी कि जो है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वेदर यू आर रिवाइविंग अ डेड प्रोडक्ट, वेदर यू आर री लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट और लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन, ठीक है। तो उसके हवाले से जो है ये सारी चीज़ें थी। ओके, सो द कवर पेज वुड कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नेम विच इज़ आइदर रिवाइविंग और लॉन्चिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस का नाम है वो आप जो है वो टाइटल पेज पे जो है वो आप पहले आप लिखेंगे, ठीक है। देन यू हैव मेंबर्स नेम एंड आईडी, एक टेबल बना के उसमें जो है वो मेंबर्स के नाम और उनके साथ उनकी आईडी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद कोर्स नेम लिखेंगे विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, सेक्शन AM। इंस्ट्रक्टर नेम, यू नो माई नेम, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। फिर डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन वो है कि जब आप प्रिंटेड फॉर्म में या फिर जो है वो आप फाइनल रिपोर्ट जब आप मुझे, अगर आई होप कि जो है यूनिवर्सिटी अगर ओपन हो जाती है तो मुझे हार्ड फॉर्म में, प्रिंटेड बाइंडेड फॉर्म में जो है मुझे रिपोर्ट चाहिए। अदरवाइज़ अगर उस वक्त तक अगर नहीं खुलती है यूनिवर्सिटी तो जो है यू कैन सबमिट मी इन अ सॉफ्ट फॉर्म, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे सॉफ्ट फॉर्म में भी जो है मुझे एक फ़ाइल चाहिए, वन फाइल विच कंसिस्ट ऑफ एवरी विच कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड इट शुड बी अ कम्प्लीट रिपोर्ट, ठीक है। तो वो डेट जब आप जो है सबमिट करेंगे तो वो डेट यहाँ पे आप बेसिकली मेंशन करेंगे। देन लोगो ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर नेम एंड टैगलाइन, स्लोगन, जो भी आप कह सकते हैं। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि यू कैन नॉट जस्ट लॉन्च अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन, मतलब अगर आप जो है लेट्स से कि अगर सोप आप जो है लॉन्च कर रहे हैं तो इट शुड बी लॉन्च अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है, कंपनी का नाम, उसका टैगलाइन, उसका स्लोगन, वो कौन सी इंडस्ट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है वो जो है वो आपको बताना है, और फिर उस कंपनी के अंदर आपको जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना है। उस प्रोडक्ट का क्या नाम है, उस प्रोडक्ट का लोगो क्या है, उसकी प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या है, वो जो है वो आपको जो है टाइटल पेज पर आपको लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट पेज है उसमें जो है वो आप टेबल ऑफ कंटेंट आप क्रिएट करेंगे,
अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा जो है आखिर में क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जो है वो आप यहाँ पे इंडेक्स पे जो जो टॉपिक्स हैं वो जहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि जो जो आपने रिपोर्ट में कवर किए हैं उनका पेज नंबर, लेकिन एज़ दैट यू प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिपोर्ट द नंबर कीप्स ऑन चेंजिंग. सो इट्स रिकमेंडेड दैट यू लिस्ट डाउन ऑन द टॉपिक दैट यू हैव कवर्ड इन दिस रिपोर्ट, बट डू नॉट राइट द पेज नंबर अनलेस एंड अंटिल द रिपोर्ट इज़ कम्प्लीटेड. वंस द रिपोर्ट इज़ कम्प्लीटेड then you may know the exact number page of all the topic and all the title of the page, then you can mention the number here. Okay. Table of content ke baad the first thing that you need to mention is the acknowledgement is something which you recognize, you appreciate someone whoever has helped you in order to create this report. इवन कि अगर आपका कोई कोलीग है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो है भाई हैं, आपके दोस्त हैं, उन सब को जो है वो वहाँ पे मेंशन करना सवाल हेल्प हेल्प. फिर उसके बाद आपको जो है एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है. एग्जीक्यूटिव समरी शुड बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ और अ सेट ऑफ पैराग्राफ्स जिसमें जो है सब चीज़ें कवर होनी चाहिए. So executive summary जो है it should be written in a form of a set of paragraphs. दो तीन चार paragraphs हो सकते हैं और एक हर एक paragraph में ये सारी information मिल जाइए. What do you wanted to do and why? क्या करना चाह रहे थे और क्यों करना चाह रहे थे? Obviously you want to launch a product or services, ठीक है, जो आप launch कर रहे हैं. But why do you want to do that? There should be a logical, rational explanation for launching only that product. Why not any other product, right? तो उसकी वजह क्या है, उसकी reason क्या है. Think deep, think hard in order to explain this in a paragraph. Then what you did and how did you do it, ठीक है, आपने क्या किया, आपने लॉन्च किया और आपने किस किस तरह से लॉन्च किया, आपने कैसे लॉन्च किया, ठीक है. What are the results or finding, ठीक है, आपने जो लॉन्च किया उससे आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या पता चला, क्या लॉन्च सक्सेसफुल हुआ या फिर अनसक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे क्या वजह थी. What did you find out, what are the new information that you have you found out after doing this project, okay. Then what are the project scope and limitations, is kaam ko karte hue, is project ko karte hue jo hai wo aapki scope kya tha, kya kya cheeze aapne socha tha ki hum ye karenge aur ye nahi karenge, aur aapki limitations kya thi, what were your limitation. Obviously time was one of your limitation. Financial amount is basically your limitation. Iske alawa jo hai wo क्या कहते हैं इंटरनेट और जो है और दूसरी चीज़ें हैं, लिमिटेशन है जो कि आपको काम को करने से रोक रही हैं, तो वो आपको मेंशन करनी है कि जो है वो किस तरह से लिमिटेशंस आ रही थी एंड हाउ हैव यू ओवरकम दैम, ठीक है. तो वो इन एग्जीक्यूटिव समरी में जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ्स आपको देनी है. यू डोंट हैव टू राइट दीज क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, नो, यू जस्ट हैव टू राइट द पैराग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, राइट, ओके. नाउ देन द इंट्रोडक्शन. Introduction about the business field or industry. Why have you chosen this industry or this business field? Is this a growing industry? ठीक है, मतलब कराची पाकिस्तान में जो है ये field जो है क्या growing है, इसका कारोबार जो है वो बढ़ रहा है over the period of time या नीचे जा रहा है या stagnant है, or what? What are the future scope and the demands of this field in both local as well as the international market? क्या लोकल मार्केट में इसका जो है ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और क्या इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में ये फील्ड जो है, ये इंडस्ट्री जो है बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है. नॉट टू मच डिटेल बट रादर वन और टू पैराग्राफ्स इज बेसिकली इनफ अबाउट दिस बिजनेस फील्ड. अच्छा, टॉप थ्री बेनिफिट्स एंड द चैलेंजिंग ऑफ दिस बिजनेस फील्ड. अब जैसे कि अगर आपने प्रोडक्ट कोई आपने क्या कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी लॉन्च की है, तो जो है बेसिकली फैशन इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सेसरीज की इंडस्ट्री जो है, उसके टॉप थ्री बेनिफिट्स और टॉप थ्री चैलेंजेस, टॉप थ्री डिफिकल्टीज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दिस बिजनेस फील्ड आपको मेंशन करने, ठीक है. व्हाई हैव यू सेलेक्टेड दिस इंडस्ट्री, ठीक है. व्हाट आर द मार्केट नीड एंड वांट एंड प्रॉब्लम और गैप, ठीक है. लोगों को इस आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है, क्या लोग चाहते हैं मार्केट में. हैव यू टॉक टू एनीवन, what are their views about what they want and why they want it, whether there's a problem that needs to be fixed and why the problem is so important that requires fixing, or whether there is a gap in the market
that you might want to bring a product or a services in order to fulfill the gap of this industry that people may want but they have never thought of कि जो है कि एक कोई प्रोडक्ट इस तरह से हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी थी तो देर इज़ बेसिकली दे कुड बी अ गैप इन द मार्केट विच यू ट्राइंग टू फुलफिल इन थ्रू योर प्रोडक्ट प्रोसेस ठीक है तो वाई हैव यू सेलेक्टेड इट लोगों की वांट नहीं क्या है प्रॉब्लम क्या इशू क्या थे गैप क्या था दैट वाई दैट गैप वाई दैट प्रॉब्लम वाई दैट वांट एंड नीड वाज सो इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइडेड टू सेलेक्ट दिस इंडस्ट्री एंड यू वांटेड टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट ठीक है सो गिव मी लॉजिकल रैशनल एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये नहीं कि बस सर हमने एक सोचा और हमने कर लिया नो यू हैव टू गिव मी अ लॉजिकल रैशनल एक्सप्लेनेशन विद दिस ओके अबाउट द कंपनी ठीक है कंपनी सिंस यू आर लॉन्चिंग योर कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो जो है वो आपके हिस्ट्री वगैरह तो सारी बातें नहीं होगी हाँ लेकिन अगर आपकी आपकी कंपनी का विजन या मिशन जो है ज़रूर होना चाहिए कि वेयर डू यू वॉन्ट टू टेक योर कंपनी ठीक है वॉट इज़ द हाइस्ट पॉइंट दैट यू वॉन्ट योर कंपनी टू रीच Maybe you want your company to be the number one company of Pakistan in terms of designing artificial jewelry. You may want to you want to be a most prestigious brand in the market. So that is basically your vision. But mission is what you're doing and why you're doing it, which means the purpose of establishing this company. Why have you established this company and what is the logical, rational reason behind it? Achha, key goals, what do you want to achieve in the next 2-3 years and how do you want to achieve them? What are the, how would you measure that your goal has been achieved? Objective, jaise hum kehte hain. तो वो कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप बेसिकली बताएंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के गोल्स क्या है कंपनी का मिशन क्या है पर्पस क्या है उसकी एग्जिस्टेंस का कंपनी को कहाँ आप लेके जाना चाहते हैं वेयर डू यू वांट योर कंपनी तो ये है फिर उसके बाद अबाउट द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट है क्या उसका पर्पस क्या है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है उसका पर्पस क्या है व्हाई द व्हाट व्हाट द प्रोडक्ट इज़ ऑल अबाउट व्हाट प्रॉब्लम or what need is going to fulfill, what want is going to fulfill, what need or what gap is going to fulfill, what is how the product functions, are there any variants for that product, variants ka matlab ye hota hai ki ek product agar aapne launch kiya hai to uske various flavors, uske various kya kehte hain extensions jo hai jaise hote hain jaise ki aapne koi sabun launch kiya hai Lux ka to Lux ka jo hai various उसके वेरिएंट्स हैं जैसे लक्स हनी है लक्स एलोवेरा है लक्स मिंट है तो ये सारे उसके वेरिएंट्स हैं तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो क्या उसके वेरिएंट्स हैं अगर वेरिएंट्स हैं तो कितने वेरिएंट्स हैं और अगर आपने कोई पहले प्रीवियस प्रोडक्ट उठाया जो कि फेल हो गया जिसको आप रिवाइव कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो है ये वाला सेक्शन है कि इफ़ द प्रोडक्ट हैज़ फेल्ड व्हाई इट फेल्ड एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इफ़ यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन यू नॉट हैव टू कवर दिस सेक्शन ओके फिर बाद Expected value and benefits of the product or the service जो आप product लेके आ रहे हैं उसके value क्या है why the customer want to give the money for this product what are the benefits that the product is going to provide the customers right and how important it is so that as the customer is willing to give out the money for it अच्छा how is going to add value to the consumer life कि consumer को जो है वो किस तरह से फ़ायदा वो पहुँचाएगा आपके product या आपकी service ठीक है और डज द कंप्यूटर और डज द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव आउट मनी फॉर इट और नॉट राइट फिर उसके बाद जो है कुछ ये सिचुएशन एनालिसिस या एनवायरमेंटल एनालिसिस आ जाते हैं जो कि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि इंटरनल एनालिसिस जो कि कंपनी के बाउंड्रीज के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे कि मटीरियल मशीन एसेट फिजिकल या फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज पॉलिसी प्रोसीजर एम्प्लॉइज रिसोर्सेज सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सब जो है वो इसके हवाले से आप जो है उनको हाई मीडियम हाई मीडियम या लो रैंक करेंगे और साथ साथ उसकी रीज़न देंगे एक टेबल आप बनाएंगे जिसमें ये कि जो है एक टेबल के एक तरफ आप ये सारे एस्पेक्ट आप जो है लिख लेंगे नंबर करके फिर मिडिल कॉलम में जो है आप उसकी रैंक करेंगे कि ये फैक्टर हाई मीडियम लो है कुछ मीन्स ये हाई का मतलब ये है कि रिसोर्स आपके पास अच्छा अवेलेबल है एंड यू कैन यूटिलाइज दैट मीडियम का मतलब ये है कि ये रिसोर्स जो है वो है लेकिन जो है इतनी आसानी से इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता या फिर लो का मतलब यह है कि यू डो नॉट हैव दैट रिसोर्स एंड नीड टू अक्वायर दिस रिसोर्स एक्वायरिंग एंड यूजिंग दैट रिसोर्स इज नॉट ईजी ठीक है तो ये यू नीड टू रैंक द मटीरियल एंड मशीन वेदर हाई मीडियम लो एसेट्स हाउ मेनी एसेट्स दैट यू हैव दैट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इन ऑर्डर टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट और सर्विस
ठीक है, एंड वेदर इट्स द एसेट्स आर हाई रैंक, लो रैंक, मीडियम और लो, विद रीजंस कि अगर हाई है तो क्यों है, लो है तो क्यों है, मीडियम है तो क्यों है. फिर उसके बाद माइक्रो इन्वायरमेंटल एनालिसिस, विच इज़ जैसे हमने कहा था कि मार्केट की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए जीपी कॉस्मिक एक जो है हमने एब्रेशन आपको बताई थी, एक एक्रोनिम बताया था, 5+1 फोर्सेज, ये इंशा हम आगे पढ़ेंगे. ये माइकल पोर्टर्स के फाइव फोर्सेज मॉडल है, जिसमें ये कि जो है कुछ फोर्सेज हैं जो कि मार्केट को कंट्रोल करती हैं, जिस बैरियर और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की जो है वो बाज़ार में कोई भी नया बंदा आके अपनी कंपनी जो है वो खोल सकता है. तो क्या ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आसानी से कोई भी आके दुकान खोल सके, ठीक है, या फिर इस यहाँ पे आके इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए बैरियर्स क्या हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ क्या हैं कि हर कोई बंदा आसानी से आके जो है अपनी शॉप या अपनी दुकान या अपनी सर्विस नहीं कर चला सकता. अब जैसे कि लेट्स टेक दी दी एजुकेशन इंडस्ट्री. एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स हैं. ऐसी जो है वो आपको बहुत सारी आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है. इसके अलावा जो है वो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए. तो ये सारे बैरियर्स हैं जो कि एक नए बंदे को जो है वो इस इंडस्ट्री में आके अपना वेंचर जो है स्टार्ट करने में जो है वो रुकावट पैदा करते हैं. तो बैरियर और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस जो है वो क्या है इस इंडस्ट्री में, वेदर इट्स हाई, मीडियम, लो. फिर उसके बाद पावर ऑफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर जो है जो जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो जो है वो आपको जो है उसकी उसकी पावर कितनी है, क्या वो अपनी टर्म्स को आपके ऊपर जो है डरा सकता है या नहीं करा सकता. पावर ऑफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स, क्या कस्टमर इस इंडस्ट्री में जो है वो उसके पास इतनी पावर है कि वो जो है वो आपको आपसे निगोशिएट कर सके. के थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन, वेदर देयर आर अदर अल्टरनेट मटेरियल और थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट विच शुड सर्व एज अ सब्सटीट्यूट टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अगर जैसे कि आपने जो है जैसे कि अगर बर्गर आपने लॉन्च किया है तो बर्गर जो है बेसिकली किस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, आप कस्टमर की भूख को जो है फुलफ़िल कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है उसकी भूख को. तो भूख को फुलफ़िल करने के लिए बर्गर ज़रूरी नहीं है, वो जो है चिकन टिक्का भी खा सकता है, वो बिरयानी भी खा सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें खा सकता है, क्योंकि मेन पर्पस जो है वो उसकी नीड को फुलफ़िल करना है. ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके सब्सटीट्यूट्स क्या क्या हैं. अगर जैसे कि आप ये कहते हैं कि जो है मैं सोप बना के सोप बेच रहा हूँ, तो मेन मकसद सोप का जो है वो क्लीन रहना, हाथ को साफ रखना है, जो कि सैनिटाइज़र भी उसका एक सब्सटीट्यूट है, जो कि जो है जो सैनिटाइज़र जो है वो आप वो भी जो है वो एज अ सब्सटीट्यूट उसको जो है वो लॉन्च कर सकते हैं. अच्छा, फिर इंटरनल राइवलरी या सॉरी इंडस्ट्री राइवलरी या कंपटीशन या गवर्नमेंट और पॉलिसी एंड लॉज एंड रेगुलेशन जो है ये बेसिकली होते हैं. ये सारे इंटरनल राइवलरी जो है वो बेसिकली ये है कि है इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्या ये रेड ओशन मार्केट है या ब्लू ओशन मार्केट है, कंपटीशन जो है वो कटफुट कंपटीशन है या फिर जो है कंपेटिटिव कंपटीशन है, फ्रेंडली कंपटीशन है. ठीक है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. ओके, फिर उसके बाद इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज जो है कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या आपको अपने प्रोडक्ट अपनी कंपनी लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉज जो है वो आपके कुछ इंप्लीमेंट होते हैं कि जिसमें ये कि जो है आप उनको फॉलो करेंगे तो जो है आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज जो है वो गवर्नमेंट आके या लॉ एंड ऑर्डर और रेगुलेटरी अथॉरिटी आके आपके बिजनेस को बंद कर देगी. ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फोर्सेस हैं जो कि हर जो है वो आप इन्वेस्टर को हाई, मीडियम और लो जो है वो आप रख सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट जो है वो आपके बिजनेस पे हाई आता है, मीडियम आता है या लो आता है. ठीक है, और विद रीजंस आपको जो है बेसिकली उसको देखना पड़ेगा. फिर उसके बाद GE मल्टी मैट्रिक्स है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जो कि मैंने कहा था कि कल के सेशन जो है मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपने GE मल्टी फैक्टर मैट्रिक्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, हो सकता है कि कल क्विज भी हो जाए. खैर, मेजरिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, दो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे है आपको अपने स्ट्रेंथ और मार्केट की अट्रैक्टिवनेस, जिस इंडस्ट्री में आप दाखिल हुए, जिस इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको आप उस अट्रैक्टिवनेस एज अ बिजनेसमैन जो है किस तरह से मेजर करते हैं, क्या वो जो है बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, क्या वो इंडस्ट्री ऐसी है कि जो
जिसमें आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं, मार्केट शेयर जो है वो रैपिड इंक्रीज कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हैं। तो जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी उस इंडस्ट्री को आपके लिए अट्रैक्टिव बनाती हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी, की कंपनी आपकी अंदरूनी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्या आपके पास इतनी नॉलेज है, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आप उनको यूज़ करके जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हाई मीडियम लो के तौर पे आप जो है वो उसको देख सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इसको पढ़ के आ जाएं। तो वो जो है वो आप मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद मैक्रो एनालिसिस होता है, मैक्रो एनालिसिस जो है वो थर्ड सर्कल जो अगर आपने देखा हो, GDL स्टीप या पेस्टल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, कि वो फैक्टर जो है वो आपके बिज़नेस को किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, वेदर हाई मीडियम लो, अगर क्या ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर रही है, अगर कर रही है तो क्या वो हाई इफेक्ट है, लो इफेक्ट है, मीडियम इफेक्ट है, और क्या वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है आपको, आपके बिज़नेस को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, क्या डेमोग्राफिक्स आपके जो बिज़नेस को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली, क्या लीगल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स जो है, क्या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बिज़नेस पे हाई इम्पैक्ट डालते हैं, मीडियम या लो इम्पैक्ट डालते हैं, और अगर डालते हैं तो क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, सोशल और कल्चरल जो है वो एस्पेक्ट आपके जो नॉर्म्स एंड रूल्स एंड सोशल कल्चरल और नॉर्म्स जो है वो आपके बिज़नेस को जो है वो बूस्ट करते हैं या फिर आपके बिज़नेस पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, क्या वो सोशल कल्चरल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आपके बिज़नेस को हाई इम्पैक्ट करता है, मीडियम इम्पैक्ट करता है, या फिर जो है लो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी आपके बिज़नेस को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट या वेदर कंडीशन या क्लाइमेट्स जो है वो आपके बिज़नेस को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, हाई मीडियम लो, और अगर करता है तो क्यों करता है। इकोनॉमिक्स क्या आपके बिज़नेस को जो है इम्पैक्ट करती है, क्या हाई मीडियम लो इम्पैक्ट करती है, नहीं करती। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो आपके बिज़नेस को हाई मीडियम लो के तौर पे इम्पैक्ट करती है, नहीं करती, और नहीं करती है तो क्यों नहीं करती, अगर करती है तो क्या वो इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ओके, तो ये बेसिकली आपको जो है रिपोर्ट में बताना है ईच एंड एवरी फैक्टर उसके हवाले से। येट अगेन इसमें भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें जो है एक तरफ आप ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे, मिडिल कॉलम में जो है आप हाई मीडियम लो लिखेंगे, और लास्ट राइट साइड के कॉलम पे आप जो है रीजंस आप लिखेंगे कि अगर हाई है तो क्यों है, मीडियम है तो क्यों है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस आप कंपनी का छोड़ दें, आप सिर्फ जो है प्रोडक्ट का कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सॉर्ट एनालिसिस, सॉर्ट इज़ बेसिकली अ टेक्निक विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज योर केपेबिलिटीज एंड अलॉन्ग विद दी हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट इन द मार्केट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, SWOT सॉर्ट। स्ट्रेंथ आपकी कंपनी की, आपकी प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या खास बात है। वीकनेस क्या है आपके हवाले से, क्या चीज़ इसमें नहीं है जो कि जो है वो क्या कमी है, क्या जो है वीकनेसेस हैं आपके प्रोडक्ट में। अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में क्या क्या हैं जो कि आपके प्रोडक्ट जो है वो फुलफ़िल कर सकता है, वो एंड व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज दैट इज इन द मार्केट एंड विच थ्रू योर प्रोडक्ट कैन गेट टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज एंड कैन अवेल दोज प्रॉफिट, एंड व्हाट आर थ्रेट्स विच ब्लॉक्स यू और विच कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो थ्रेट है कंपेटिटर, आपका जो कंपेटिटर जो है वो आपके थ्रेट हो सकता है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन थ्रेट हो सकते हैं, ग्लोबल ये पैनिक जो है ये एक आपका बिज़नेस आपके प्रोडक्ट को रोकने के लिए या आपके प्रोडक्ट की बिज़नेस को प्रमोशन को रोकने के लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो कि जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस क्या होता है, स्टेक होल्डर्स हमने आपको बताया था कि एनी वन हु इज़ इम्पैक्टेड बाई दी ऑर्गेनाइजेशनल डिवीजन इज बेसिकली कॉल दी स्टेक होल्डर्स, एंड हाउ यू कैन गेट टू एनालाइज दी स्टेक होल्डर्स, के स्टेक होल्डर कौन कौन है उसकी सारी लिस्ट बनानी है, फिर उसके बाद जो है वो बीच में उनका इम्पैक्ट बताना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, और रैंक बताना है कि वो जो है वो इम्पैक्ट जो है हाई है, मीडियम है, लो है, और उसकी रीज़न बतानी है। ठीक है, तो ये भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें जो है वो आप स्टेक होल्डर्स सारे मेंशन करेंगे अपने प्रोडक्ट के हवाले से, जो जो लोग हैं, जो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपके टीम मेंबर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, सारे स्टेक होल्डर्स आप मेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद
पी कॉल में जो है वो आप उनका इम्पैक्ट आप बताएंगे कि वेदर हर एक स्टेक होल्डर का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर थर्ड कॉलम में जो है राइट साइड पे फिर आप बताएंगे कि इम्पैक्ट जो है वो हाई है, मीडियम है, लो है। और फोर्थ कॉलम में आप बताएंगे कि रीज़न उसके क्या है, राइट। फिर उसके बाद मार्केट की एक समरी आप जो है बेसिकली बताएंगे कि लेट्स से कि जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कराची में, विच इज़ द टोटल, तो सिटी जहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हैं, कराची में लॉन्च कर रहे हैं ना, ओके फाइन, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या है। हमने आपको बताया कि जो है टोटल पॉपुलेशन सिटी इज़ 35 मिलियन रफली अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन ऑफिशियल फिगर्स क्या हैं वो आप जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल और वेबसाइट से जो है आप निकाल सकते हैं। वे द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विल बी लॉन्च के है, कौन से शहर में, कौन से एरिया में आप लॉन्च कर रहे हैं और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। फिर उसके बाद सेगमेंटेशन के, टोटल मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाट आर द रीज़न फॉर कैटेगराइजिंग, आप जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं, याद है फिल्टर हमने कहा था फिनल में जो है वेरियस फिल्टर्स आप लगाते हैं सेगमेंटेशन के हवाले से, विच इज़ दी डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, लोकेशन, फैमिली साइज एंड ऑल दैट, तो जो फिल्टर हैं तो जो है वो आपकी टारगेट मार्केट जो है उसमें आप किस एज ग्रुप के हवाले से आप टारगेट कर रहे हैं, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, लोकेशन के हवाले से। जियोग्राफिक में आप जो है कौन सा एरिया आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं कि वो लोग आपका प्रोडक्ट ख़रीदेंगे। इसके अलावा जो है लोकेशन, कोई ख़ास पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सिटी, जैसे कि आप ये कहते हैं हम कराची में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आप कोई कहता है कि नहीं हम तो लाहौर में लॉन्च करेंगे, तो वो कहते ठीक है फाइन, सिटी आप मेंशन कर दें, कंट्री आप मेंशन कर दें। रूलर जो है एरिया में आप लॉन्च करेंगे या अर्बन एरिया में लॉन्च करेंगे और उसके पीछे क्यों लॉन्च करेंगे, उसकी लॉजिक क्या है। साइकोग्राफिक्स, किन लोगों के लिए आप जो है लॉन्च कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके वैल्यू, बिलीफ, थिंकिंग, एटीट्यूड वगैरह क्या है। बाइंग फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी फ्रीक्वेंटली वो बाय करेंगे आपका प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी में बाय करेंगे, और कंजम्पशन स्टाइल क्या है, कितनी, किस तरह से जो है कंज्यूम करेंगे आपका प्रोडक्ट, ठीक है। टारगेट मार्केट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स एग्जिस्ट इन द मार्केट वो कितने हैं, ठीक है। और ये टोटल तादाद जो है वो आप अप्रॉक्सीमेटली आप बेरली बताएंगे, ये तुक्का नहीं मारेगा आप, यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम अथेंटिक सोर्स एंड रेफरेंस। कि लेट्स से कि अगर रांची की पॉपुलेशन 35 मिलियन है और हम जो है गुलशन के लोगों को टारगेट रहे हैं, तो विच इज़ ये लेट्स से कि 500,000 पीपल गुलशन में, 500,000 गुलशन के पीपल में जो है हम फीमेल जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। लेट्स से कि 500,000 कट होकर अब जो है 250,000 हो गया, और उस 250,000 में हम जो है वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी जो अपर मिडिल क्लास हैं, तो और ज़्यादा मजीद वो लेट्स से आप कहते हैं 100,000 लोग जो है वो हो गए। फिर ऐसे लोगों को जो कि जो है वो लेट्स से कि एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, तो वो जो है वो 50,000 जो है बेसिकली हो जाएंगे। तो आप जो है बेसिकली कह सकते हैं कि टोटल मार्केट साइज जो है वो 50,000 है जो कि जो है टोटल कस्टमर जो एग्जिस्ट करते हैं इस एरिया में, ओके। कंज्यूमर बिहेवियर टाइप जो कि कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर या वैरायटी सीकिंग या डिसोनेंस रिड्यूसिंग हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, ये भी एक जो है कंज्यूमर के मैटर पे आएंगे तो आपको बताएंगे। तो इसमें जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो टेबल में हम आपको जब बताएंगे तो आप मेंशन कीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जो कस्टमर है वो कौन सा वाला बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले करता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कंपटीशन, जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट में आप जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ पर कंपटीशन जो है वो कैसा है, आपके डायरेक्ट कंपेटिटर कौन है जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनडायरेक्ट कंपेटिटर कौन है जो कि जो है वो बेसिकली आपके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, और वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि जो है वो बेच रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि सब्सिट्यूट हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि क्या कहते हैं डायरेक्ट कंपटीशन में है। कि जैसे कि अगर आप बर्गर लॉन्च कर रहे हैं और आप जो है क्रिस्पी बर्गर लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट कंपेटिटर जो है आपका KFC का बर्गर, लेकिन इनडायरेक्ट कंपेटिटर आपका जो है वो जैसे कि बन कबाब वाला भी है जो कि इनडायरेक्ट कंपेटिटर, राइट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आप लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या है और वो कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद कंपटीशन स्टाइल क्या है, जो कंपटीशन जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो स्टाइल क्या है, क्या वो कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ही सिवियर ब्रूटल कंपटीशन है जो मार्केट में, कि जो है हर एक कंपटीटर दूसरे को जो है वो बेसिकली नीचे दिखाने के लिए, दूसरे का बिजनेस ख़राब करने के लिए टेक्निक्स खेल रहा है या गेम खेल रहा है।
फेयर कंपटीशन है कि हर एक अपना अपना जो है बेस्ट दे रहा है, और जो है वो खुद जो है ये चाह रहे हैं कि कस्टमर खुद डिसाइड करे कि मार्केट में जो है वो कौन सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो उसके पास जाएं, क्या फ्रेंडली कंपटीशन है कि मतलब ये जो है यू ऑल्सो टेंड टू हेल्प आउट योर कंपेटिटर्स, के अगर उसकी से कुछ डाउन जा रही है तो आपने कुछ कस्टमर को आप उनके पास भेज दें कि चलो उन खरीद लो हमारे पास नहीं है, या आपने जो है मार्केट में कार्टेल बनाया हुआ है। कार्टेल क्या है यह अभी मैं नहीं बताऊंगा, यू यू बेसिकली हैव टू गूगल इट एंड यू बेसिकली हैव टू फाइंड आउट कार्टेल क्या है। ये मैं आपको एक छोटे ही एक एग्जांपल दे दूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्टेल है और 3 बिग कंपनीज जो है वो रूल कर रही है। ओके, फिर उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। हमने पढ़ा था कि 7 P's या 4 C's मैच विद 4 C's। यहाँ पे अगर आप सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं, सर्विस आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको 7 P's को 7 C से मैच करना पड़ेगा, और वो मैचिंग जो है वो लो है, मीडियम है, हाई है, वो आपको बताना है और उसकी रीजंस देनी है। फिर उसके बाद कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो बेसिकली ये है, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट योर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज व्हिच कैन हेल्प यू टू ओवरकम योर कंपटीशन इन द मार्केट, राइट। कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है। एक ट्राइंगल बनता है जिसमें एक कोने पे होता है यूनिक, दूसरे कोने पे होता है हार्ड टू कॉपी, और तीसरे कोने पे होता है वैल्यू बाय कस्टमर। तो आपके प्रोडक्ट में कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है, व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट योर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द फीचर्स विच योर कंपेरेटर कैन नॉट कॉपी, कैन नॉट बीट और कैन नॉट रेप्लीकेट, एंड थर्ड वो क्या आपके प्रोडक्ट में खास बात है जो कि कस्टमर जो है पसंद करेंगे। तो ट्राइंगल बेसिकली बनता है जिसमें यूनिक, हार्ड टू कॉपी, वैल्यू टू द कस्टमर जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज बनता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन हाउ एंड व्हाई योर प्रोडक्ट इज यूनिक, व्हाई इज इट फॉर योर कंपेयर्ड टू मैच और कॉपी, एंड व्हाट इज द वैल्यू द कस्टमर सीज इन योर प्रोडक्ट। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज योर कंपेरेटिव एडवांटेज। फिर उसके बाद टाउस एनालिसिस है, ये एनालिसिस की एडवांस फॉर्म है, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, ये जब हम पढ़ेंगे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद पोजीशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, हम आपको बता चुके हैं कि अपने प्रोडक्ट को आप किस तरह से पोजीशन करना चाहते हैं, व्हाट इज द यूनिक मैसेज दैट यू वांट टू हैमर इनटू द माइंडसेट ऑफ योर कंज्यूमर एंड कस्टमर, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट को याद रखने के लिए जो कस्टमर है वो किस चीज़ से आपके प्रोडक्ट को याद रखेगा, क्या इमोशनल एस्पेक्ट से चीज़ें याद रखेगा। ये सब हम आपको जो है पोजिशनिंग में पढ़ा चुके हैं कि इमोशनल पोजिशनिंग आपके प्रोडक्ट की होगी, कंपेटिटिव या कंपटीशन कंपेटिटिव पोजिशनिंग होगी, क्रिएटिव पोजिशनिंग होगी, हेल्थ पोजिशन आप करेंगे, इकोनॉमिक वॉस करेंगे, लाइफस्टाइल बेस करेंगे, फंक्शनल करेंगे, इकोनॉमिक करेंगे। तो वो भी वो आप बताएंगे आपके आप कौन सी पोजिशन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ऐसा मैसेज क्रिएट करेंगे कि कस्टमर के जहन में आपका प्रोडक्ट जो है वो कील की तरह ठुक जाए आपका मैसेज, और वो जो है आपको आपके प्रोडक्ट को बुलाना। अच्छा, डिटेल लॉन्च प्लान मुझे चाहिए, विच मीन्स कि आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो किस तरह से लॉन्च करेंगे, कहाँ लॉन्च करेंगे, सोशल मीडिया पे लॉन्च करेंगे, या फिर ये कि जो है वो आप हाउ यू गोइंग टू लॉन्च इट, उस लॉन्च के एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, किस तरह से आप लॉन्च करेंगे और किस एरिया में लॉन्च करेंगे, किन लोगों को लॉन्च करेंगे, एंड व्हाट इज़ दी डिटेल्स ऑफ द लॉन्च प्लान। You have to use 8W3H in order to elaborate. 8W3H क्या है ये इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। 8W's वैसे 5W1H अगर आप करके सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड ऑफ मेट्रिक्स हम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ये किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, मार्केट अप्रोच क्या है, आप जो है वो रेड ओशन मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ब्लू ओशन मार्केट में एंटर हो रहे हैं, आप जो है गनशॉट अप्रोच अप्लाई करेंगे या राइफल अप्रोच अप्लाई करेंगे, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट एग्रेसिव लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट को, या फिर जो है डिफेंसिव आप चले जाएंगे। स्ट्रैटेजीज़ जो है पोर्टर की 5 स्ट्रैटेजी भी आगे आ रही है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सी वाली स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशनल स्टाइल, जब आप बिजनेस रन कर रहे होंगे तो आप जो है ऑपरेशनल स्टाइल में प्राइस वर्सेस क्वालिटी वर्सेस वैल्यू के मिक्स आप ऐसे बनाएंगे, और आपका प्रोडक्ट जो है प्राइस और वैल्यू हवाले से वो चार खाने बनते हैं उनमें से किस में आएगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप जो है कॉस्ट बेस्ड प्राइस रखेंगे, कॉस्ट प्लस क्या कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रखेंगे, एंट्री बेस्ड प्राइसिंग रखेंगे कि आप मार्केट में आसानी से दाखिल हो सकें,
ग्रोथ बेस या ग्रोथ टारगेट बेस जो है वो प्राइस रखेंगे, या एग्रेसिव प्राइस रखेंगे, या फिर एलीट प्राइस रखेंगे जो कि जब वो एग्रेसिव ना आप जो है ओके फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग में जो है वो बेसिकली बजट आप जब आप लॉन्च करेंगे तो बजटिंग जो है वो आप किस तरह से करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग एंड कीपिंग द प्रोडक्ट ऑपरेशनल, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल, फॉर मशीन, फॉर एचआर, फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर क्वालिटी चेक एंड ऑल दैट, पैसा कहाँ से आएगा और किन किन कामों के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल मीटिंग। मुझे टोटल एक अमाउंट ब्रेकअप में और टोटल अमाउंट चाहिए कि हमें जो है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कितने पैसे दरकार हैं, कितने पैसे चाहिए हमें, और जो है रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा हमें चाहिए होगा, मशीन के लिए कितना चाहिए होगा, लोगों के काम के लिए या फिर लेबर के लिए कितना चाहिए होगा, लॉजिस्टिक्स अपने प्रोडक्ट है पहुँचने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना पैसा चाहिए, और क्वालिटी को बरकरार के लिए रिसर्च ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कितना पैसा हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा। ये है बेसिकली बजटिंग है, बजटिंग कितना चाहिए, टोटल इन्वेस्ट रिक्वायर कितना पैसा आप जो है चाहिए वन टाइम प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए और उसको कीपिंग इट एज ऑपरेशनल के रिकर्सिव कॉस्ट कि उसको चलाने के लिए मेंटेन करने के लिए या फिर प्रोडक्ट बार बार बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा, ठीक है, सो फंड्स कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, वेयर वुड यू गेट द मनी एंड हाउ, किस पैसा लेंगे, सारा पैसे चाहिए होगा कहाँ से आएगा, क्या ये आप बैंक से लोन लेंगे, क्या आप दोस्तों से उधार लेंगे, क्या आप जो है पैसे बनेंगे, क्या आप खुद जो है आप जनरेट करें किसी और मीन, ठीक है, हु विल इन्वेस्ट एंड हाउ मच मनी, कोई इन्वेस्ट कर रहा तो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और जो है इतना इन्वेस्ट कर रहा है और क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि आपके पार्टनर्स अगर हैं आपके बिजनेस में वेंचर है वो जो है कौन कौन है और है कितना कितने वो अमाउंट एग्जिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किन कंडीशंस पे कर रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि हम इतना पैसा लगाएंगे हमें जो है 10% प्रॉफिट, कोई कह रहे हैं कि हम इतना पैसा लगाएंगे हमें जो है 5% प्रॉफिट चाहिए, तो अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और जो है उस कंडीशंस जो है वो बेसिकली क्या है इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद एक्सपेंस ब्रेकअप क्या है, मतलब कि जो है खर्च जो होने वाला है, खर्चा जो होगा वो रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा होगा, रेंट पे कितना खर्चा होगा, प्रोडक्शन पे कितना खर्चा हुआ, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगी एडवर्टाइजमेंट पे, टीवी कमर्शियल बनाने या फिर पैम्फलेट बंटवा के बंटवाने में, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रोडक्ट पहुँचाने में कितनी कितनी जो है वो अमाउंट लगी, बिजनेस को ऑपरेशन रखने में या फिर चलाते रहने में कितना खर्चा आएगा, ओवरहेड्स या फिर और से खर्चे कितने होंगे, तो मुझे एक्सपेंस का ब्रेकअप चाहिए। जब आप काम कर रहे होंगे और खर्चा हो रहा होगा, आई वॉन्ट वन पर्सन फ्रॉम योर टीम टू मेंटेन ऑल दीज एक्सपेंसेस, इवन कि अगर आपने किसी को कॉल भी की है, कार्ड भी इस्तेमाल हुआ तो वो भी खर्चा है। अगर आप जो है कहीं अपनी गाड़ी में आप जा रहे हैं तो जो है वो घड़ी गाड़ी भले आपकी है लेकिन उसका फ्यूल, उसका पेट्रोल, उसकी सीएनजी जो है वो बेसिकली वो कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो जितना जैसे आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है तब लेके अब तक हर एक खर्चा चाहे आपका हो, पार्टनर्स का हो, आपके टीम मेंबर्स का हो, वो तमाम खर्चा जो है वो कितना हुआ है, वो जो है जब आप बजट खत्म करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंस जो है जो है इन हेड्स अगेंस्ट टोटल अमाउंट जो है बेसिक चाहिए कि रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ, एंट्री पे कितना खर्चा हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, मार्केटिंग पे कितना खर्चा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना हुआ, ऑपरेशनल वेरी ऑपरेशनल पे कितना खर्चा हुआ, इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा खर्चा हुआ तो वो कितना, ठीक है। एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में, अपने कारोबार को स्टेबल करने के लिए, तो वो आप क्या समझते हैं कि कितने साल में या कितने महीनों में जाके वो सारी इन्वेस्टमेंट, वो सारा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस रिकवर हो जाएगी, दिस इज वॉट वी कॉल्ड ब्रेक इवन। तो कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे आपको ये तमाम इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर करने में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन जो है वो कितने साल में या कितने महीने में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्रू सेल्स ऑब्वियसली, ओके। फिर उसके बाद मार्केटिंग के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या समझते हैं कि हमारे आपके टारगेट मार्केट के कितने परसेंटेज जो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर 50,000 लोग आप जो है आप उनको टारगेट कर रहे हैं, तो उन 50,000 लोगों में से कितना परसेंट आप समझते हैं कि पहले साल आप जो उन लोगों को अपना कस्टमर बना लेंगे। फिर उसके बाद मार्केट शेयर, अगर लेट्स से कि जो है आपने अभी अभी मार्केट में एंटर किया है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मार्केट में अगर लेट्स से कि टोटल नंबर ऑफ
सेल जो है, अगर जैसे हमने बताया था कि साबुन अगर जो है 1 लाख साबुन बिकते हैं तो आपका कितना शेयर है, तो आप जो है एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट जो है बाय 2 ईयर्स कितना परसेंट मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग गोल ऑब्जेक्टिव आपको जो है मेंशन करना है कि हम जो है वो अगले 2 साल में मार्केट का 5% जो है वो हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। जारी बात है, ज़्यादा एंटीसिपेट एंथुजियास्टिक होकर ये मत कहिएगा कि जो है कि हम जो है 30% 40% मार्केट कैप्चर कर लेंगे, ऐसा ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। स्टे रियलिस्टिक एंड मेक श्योर के जो है वॉट एवर दैट यू डू आप अपनी एक्सपेक्टेशन को जो है मिनिमम करके जो है वो रखें। मार्केट इज़ वेरी डायनेमिक, आइडिया कि मार्केट किस तरह से जो है वो चलती है। ओके, एक्सपेक्टेड सेल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल में मंथ वाइज कितनी सेल होगी, बोथ यूनिट एंड रुपीज के जो है कितनी होगी वो आप जो है बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट इन रुपीज के जो है वो साल, 1 साल में कितना प्रॉफिट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स। सेल अगर जैसे कि अगर एक चीज आप 100 पैक की बेचते तो उस पर आपका प्रॉफिट जो है वो 30 रुपीज होता है, ठीक है। तो जो है आपका प्रॉफिट जितनी सेल हुई है उसका जो है प्रॉफिट मार्जिन चेक करके आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो साल का आपका प्रॉफिट जो है वो आप कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन प्लान, आप आगे जो है ये प्रोडक्ट जो है वो ये थिंक और एक्ट मैट्रिक्स जो है और ग्लोबल और लोकल ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक्सपेंशन प्लान क्या आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड अगर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कराची से एक्सपैंड करके फिर लाहौर की मार्केट को टच करेंगे, फिर लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर पेशावर, पेशावर से फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएंगे, आप दुबई सिंगापुर में जो है वो आप आपका प्लान क्या है कि किन किन जो है वो कंट्रीज़ को आप जो है वो टारगेट करें। फिर ऑपरेशनल एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से करेंगे, ये B2B B2C ये भी हम आपको बताएंगे कि जो है आप सिर्फ बेचेंगे या ये किसी दूसरे बिजनेसमैन या बिजनेस को भी बेचने का आपका ख्याल है, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाएं कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकें या एक बाहर एक्सपोर्ट कर दें या रिटेल आउटलेट पे रख सकें, तो ये है। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स कि जो है जितना भी आपको काम करना है आपको जो है वो एक ये तरह का प्लान बनाना है, प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। इसमें जो कॉलम है जैसे कि ये सीरियल नंबर है, जैसे कि सार सीरियल नंबर है, जितने जितने काम आप देखेंगे उसका आपको सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिहाज से जो जो काम आपके जहन में आ रहे हैं वो सब यहाँ पे इस कॉलम में आप जो है नीचे की तरफ जो है मेंशन करते रहेंगे और सीरियल नंबर डालते रहेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो उसमें है वो प्रोजेक्ट प्लान में जो है पहला काम जो ये था कि सेंड प्रपोजल आप कर दिया है। इसके अलावा जो है अभी आपको आइडिया जनरेशन, आइडिया फाइनलाइजेशन, फिर उस बात जो है वो कहते हैं जो है रॉ मटेरियल जो है वो क्या कहते हैं एक्वायर करना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाना, लॉन्च करना, फिर कैंपेन लॉन्च करना, फिर फेसबुक का पेज बनाना, यूट्यूब चैनल बनाना, TV कमर्शियल बनाना, बहुत से काम है जो कि आपको है करना, और हर काम जो है कितनी ड्यूरेशन कितने दिन में हो जाएगा, कब ये काम आप किस तारीख एक्सपेक्टेड शुरू करेंगे, किस तारीख को खत्म करेंगे, ठीक। काम करने से पहले कोई और काम करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो उसका नंबर क्या है, जैसा सारे काम यहाँ पे मेंशन होंगे तो हर काम के आप कहते हैं कि प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है। प्रोडक्ट फाइनलाइज अगर आप एक में कर रहे हैं और जैसे से कि आप जो है वो फर्स्ट मई को आप कर रहे हैं और एक दिन में फर्स्ट और सेकेंड मई को ख़त्म हो जाएगा, तो प्री रेक ये है कि प्री रेक वो बेसिकली सीरियल नंबर है जो है प्रपोजल प्रूव होगा आगे काम। तो अच्छा, फिर रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए आपको और कौन ये काम करेगा। रिसोर्सेज आप जो है वो आप मटीरियल चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उस काम करने के लिए, हो सकता है लैपटॉप चाहिए, हो सकता है आपको गाड़ी चाहिए, होता है आपको कहते हैं पेन चाहिए, होता है आपको नोटबुक चाहिए, हो सकता है आपको जो है वो रॉ मटीरियल चाहिए, होता है आपको आर्ट चाहिए, हो सकता है जो है वो ग्लव्स चाहिए, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो सिर्फ एक काम करने के लिए आपको जो है वो क्या क्या चीज़ चाहिए और ये काम करेगा, हु इज गोइंग दिस वर्क, किस जिम्मेदारी है ये, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एस्टिमेटेड बजट कितना है इस काम को करने का, आप कहते हैं कि भाई ये काम जो है मैं समझता हूँ कि 100 रुपये में हो जाएगा, आपने जो है ये काम 100 रुपये में हो जाएगा।
लेकिन एक्चुअली वो काम 50 रुपये में कंप्लीट हो जाता है, पे एक्चुअल एक्सपेंसेस उस काम करने के लिए जो है चाहिए। फिर उसके बाद आप कमेंट्स में अगर परेशानी है वो मेंशन करेंगे, या स्टेटस आप मेंशन करेंगे कि ये काम 50% हो चुका है या के अभी बाकी है अभी। फिर उसके बाद जब आप ये काम कर चुके होंगे, जब रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे आखिर में, जब ये लॉन्च कर चुके होंगे प्रोडक्ट, तो व्हाट आर द टॉप 3 डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस व्हाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट एंड हाउ हैव यू ओवरकम और हाउ हैव यू रिजॉल्व दैम। इस प्रोजेक्ट को करने में जो है टॉप 3 डिफिकल्टीज, क्या मुश्किलात ऐसे आई जो कि जो है वो आप उस प्रोजेक्ट को करने में मुश्किल आपको लग रही थी, और उन मुश्किलों को आपने ओवरकम कैसे किया, हाउ हैव यू रिजॉल्व दैम, ठीक है। और फिर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर्स जो है वो बेसिकली क्या थी, यानी कि लेट्स से कि अगर टीम मेंबर में आपका अली आपका टीम मेंबर है, या खालिद टीम मेंबर है, या जो भी आपके टीम मेंबर है उसके नाम आपको यहाँ पे मेंशन करने, जो लीडर है उसने हर एक बंदे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सही तरह से फुलफ़िल कर ली, कम्प्लीट कर ली, पार्शली किया, पार्शली छोड़ दिया, किया ही नहीं, या फिर ये कि जो है वो कर तो लिया लेकिन सही तरह से नहीं किया, क्वालिटी क्या है, वर्स्ट है, नॉट गुड है, ओके है, गुड है, एक्सलेंट है। ये जहाँ पे अक्सर जो है जो लीडर हैं वो बेसिकली हर मेंबर के वो नाराज़ ना हो जाएं, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क हर एक को एक्सलेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब जब आप रिपोर्ट करेंगे तो फिर प्रेजेंटेशन भी होगी, और प्रेजेंटेशन में मैं इंडिविजुअली 1-to-1 जो है उससे मैसेंजर पे जो है वो उससे ऑडियो जो है वो क्या कहते हैं वाइवल, तो पता चल जाएगा कि किसने कितना काम किया है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी उसके मुताबिक उसको कुछ मालूमात है भी या नहीं है, उस पता चलेगा कि उसने काम किया या नहीं किया है, और काम किया है तो कैसे किया है और कितना किया है। इसी के बेस पे जो है इंडिविजुअल बेसिस पे मैं मार्किंग और मैं नंबर दूंगा, राइट। तो प्लीज़ यहाँ पे यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। किसी को फेवर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी को फेवर है मतलब ये कि आप उसका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वाइवा में मैं जो है उड़ा के रख दूंगा उसको। So don't expect any mercy from me, ठीक है। Viva में I am very brutal, okay? So you have to work hard in order to answer all the things in the Viva, okay? तो फिर उसके बाद एक पूरा मैट्रिक्स, एक पूरा जो है टेबल आपको बनाना है, सो दैट और या अपने ग्रुप में पार्ट देना है, सो दैट एवरीबडी वो नोज को क्या काम करना है, ठीक है। और ये नीचे जो है सिग्नेचर होंगे कि जो है हर एक को पता है कि उसको क्या काम करना है, ताकि कल को ये ना कह सके कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काम मुझे करना है, ये तो काम उसने फलाने को दे दिया है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली क्या काम करना है, ठीक है। और इससे फीडबैक पता चलेगा कि किसने क्या किया, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट और सबको इक्वल मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो जिसने जितना काम किया उसको उतने मार्क्स मिलेंगे, ओके। और वाइवा पे भी डिपेंड करता है कि वाइवा कैसे गया है किसका, और ये वाइवा इंडिविजुअल बेसिस पे जो है मैं वाइवा करूँगा 1-to-1, ओके। लर्निंग्स क्या हुई इस प्रोजेक्ट से, हर एक मेंबर बताएगा कि इस प्रोजेक्ट से उसने क्या नई चीज़ सीखी, ठीक है। एटलीस्ट 2 चीज़ें जो है वो हर कोई मेंशन करेगा कि इसमें कोई 2 चीज़ें ऐसी जो कि उसको नहीं पता चली, जो कि उससे पहले पता नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद इस कोर्स से आपको क्या नई चीज़ सीखने को मिली, ठीक है। तो हर एक मेंबर जो है वो इस कोर्स से 2 एटलीस्ट जो है कोई नई चीज़ बताएगा कि उसे क्या क्या नई चीज़ पता चली, ठीक है। फिर कंक्लूजन रिकमेंडेशन, आगे आप जो है वो इस क्या कहते हैं सजेशन, इस प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव करने के हवाले से आपके क्या प्रोडक्ट है। अब जैसे आपने साबुन लॉन्च किया तो आप रिकमेंडेशन में ये कह सकते हैं कि हम फ्यूचर में इस साबुन को हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करेंगे, या इस साबुन को हर्बल बनाएंगे, या इस साबुन को जो है क्या हम रैपर चेंज करेंगे, या इसका साइज़ हम बड़ा कर देंगे। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन है कि उसको तरह से इम्प्रूव किया जाए। फ्यूचर स्टेप्स आप किस तरह से लेंगे, व्हाट कंपनी शुड डू नेक्स्ट टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस, के अब नेक्स्ट जो है वो इस प्रोडक्ट को वो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेगी या कहाँ पर लॉन्च करेंगे, फ्यूचर स्टेप्स क्या है। बेनिफिट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, ये जितनी रिपोर्ट आप ये इतनी सारी बनाएंगे तो उस फ़ायदा बेसिकली क्या होगा, ठीक है। और 15 में जो है अपेंडिक्स जो है बेसिकली जितने भी टेबल आपने रिपोर्ट में बनाए हैं उसको अलग से सारे टेबल सारे मैट्रिक्स आप मेंशन करें। इसके अलावा ग्लॉसरी बेसिकली कहते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है रिपोर्ट के अंदर। बिब्लियोग्राफी, अगर इस रिपोर्ट को बनाने में आप किसी बुक का इस्तेमाल किया है या किसी बुक से कोई कॉन्सेप्ट लिया है या कोई चीज़ें ली हैं तो वो बुक मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बिब्लोग्राफी, बिब्लो मींस बुक,
बिब्लियोग्राफी का मतलब इस रिपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपने अगर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर की बुक का इस्तेमाल किया है, या मार्केटिंग मैनेजमेंट, या फिर ये कि जो है वो इसेंशियल ऑफ मार्केटिंग बुक का इस्तेमाल किया है, तो वो बुक यहाँ पे मेंशन आपको करनी है आखिर में। फिर उसके बाद रेफरेंसेस, अगर किसी वेबसाइट से किसी जो है वो बंदे से आपने इंटरव्यू लिया है, तो वो सब के मैंशन यहाँ पे होने चाहिए। इवन के वेबसाइट जहाँ जहाँ से आपने कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन उठाई हैं, वो सब मुझे उसका यूआरएल, उसका वेब एड्रेस मुझे यहाँ पे चाहिए। फिर उसके बाद कॉपी ऑफ प्लेजरिज्म रिपोर्ट। प्लेजरिज्म बेसिकली कहते हैं कि आपने ये एक मैकेनिज्म है जिसे पता चलता है कि आपने कोई रिपोर्ट छापी तो नहीं है। एक मैकेनिज्म होता है जिसे टर्न इट इन, TURNIT, TURNIT, टर्न इट इन एक सॉफ्टवेयर है जिससे जो है प्लेजरिज्म चेक होता है। अगर आपको नहीं पता तो जो है वो लाइब्रेरी में ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, इवन कि आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। प्लेजरिज्म की रिपोर्ट मुझे चाहिए, और प्लेजरिज्म जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, रिपोर्ट में हेडर फुटर होगा, हेडर क्या होगा, फुटर क्या होगा, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एक फॉन्ट आपको थ्रू आउट द रिपोर्ट इस्तेमाल करना है, कोई एक फॉन्ट आप चूज़ कर लें, आइदर टाइम्स न्यू और एरियल, ठीक है, और कैलिबरी, तीन फॉन्ट में से कोई एक आप इस्तेमाल करें, और थ्रू आउट द रिपोर्ट में सिर्फ वो ही फॉन्ट आप इस्तेमाल करेंगे। और टाइटल के लिए एक एक साइज इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग के लिए दूसरा साइज इस्तेमाल करेंगे, और टेक्स्ट करने के लिए तीसरा साइज इस्तेमाल करेंगे, और थ्रू आउट द रिपोर्ट यही सारे फॉन्ट साइजेस टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए और टेक्स्ट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, है। स्पेल चेक और ग्रामर प्रॉपर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक नया टॉपिक एक नए पेज से आपको शुरू करना है, ठीक है, और इस टेम्पलेट को यूज़ करके जो है रिपोर्ट के आखिर में अटैच करना है और टिक करना है कि आपने वो तमाम चीज़ें जो इसमें मेंटेन है कर ली हैं या नहीं करनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ अगर इस रिपोर्ट में टेम्पलेट के हवाले से अगर मिसिंग है, ठीक है, तो वो आपको मैंशन करना है कि आपने क्यों वो चीज़ नहीं की, या क्यों वो सेक्शन जो है टेम्पलेट का, या क्यों वो जो है वो आपने छोड़ दिया, ठीक है, उसके पीछे वजह क्या है। रिपोर्ट कंटेन पिक्चर्स एनी पर्सन और पीपल, सही है। आप प्रोडक्ट की जो है वो तस्वीर आप रिपोर्ट में डाल सकते हैं, आप जो है वो ब्रोशोर्स के हवाले से जो है वो पिक्चर्स आप डाल सकते हैं, लेकिन आप अपनी पिक्चर्स प्रोडक्ट हाथ में लिए हुए आप जो है नहीं डाल सकते। ओके, रिपोर्ट मस्ट भी प्रॉपरली बाइंड, जब आप हार्ड काम देंगे तो प्रॉपरली स्पायरल बाइंडिंग जो है मुझे चाहिए, ठीक है। और डेडलाइन जो है वो 5 मई है, ठीक है, ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया है। सो रिमेंबर दैट द रिपोर्ट जो है वो डेडलाइन से आगे 5 बजे के बाद जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, विच मीन्स कि आपको एटलीस्ट 3 मई तक जो है वो अपनी रिपोर्ट हर चीज़ फाइनलाइज करके रिव्यू कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मैं अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे हूँ, ठीक है, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ग्रुप लीडर्स की वीकली मीटिंग का जो है मैंने प्लान बनाया था, लेकिन जो है ग्रुप लीडर से मैं 1-to-1 इंडिविजुअल बेसिस पे मैं बात खुद ही करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लान, हर हफ्ते जो है वो लीडर्स मुझे ईमेल करेंगे, ये प्रोजेक्ट प्लान है, ये वाला प्रोजेक्ट प्लान, कि जो पूरा प्रोजेक्ट प्लान है उसका कौन कौन सा काम आपने कर लिया है, कौन सा बाकी, कौन सा कितना परसेंट है वो हो गया है, कितना परसेंट अभी बाकी है आगे, और कौन कौन से काम हैं, किस तारीख को आप क्या क्या करने वाले हैं, उस पूरा प्रोजेक्ट प्लान जो है वो लीडर अपडेट करके हर हफ्ते जो है वे सेंड करेगा। से पहले 9 बजे तक है प्रोजेक्ट प्लान सारे ग्रुप लीडर्स के मुझे मिल जाने चाहिए। ओके, और सैम्पल मार्केटिंग प्लान के लिए जो है वो प्रिंसिपल मार्केटिंग का पेज 8387, वो सर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं रिपोर्ट थी जो आप लोगों को, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी जस्ट लेट मी नो। विदाउट डूइंग सेल्स हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रॉफिट और सेल? देखें, सेल आप जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि अगर आप अलग से कि अगर ऑनलाइन आप बेचते हैं तो आपको पता चल जाता है कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना है, ठीक है। दिस इज द इक्विपमेंट नेम मेंशन इन द रिपोर्ट एंड हाउ डू यू लॉग डाउन। देखें, मैंने ये आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो प्रोडक्ट ऐसा बनाए जिसके लिए आपको जो है बाहर से जाके सारा रॉ मटेरियल खरीद के लेके आने की ज़रूरत है। आप जो यू कैन यूज यू कैन
कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी इन योर होम, ठीक है, तो उसको यूज़ करके आप जो है बेसिकली बन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, अब तो लॉकडाउन है, मटेरियल कहाँ से मिलेगा? अच्छा, जैसे मैंने कहा रियान साहब, घर में आसपास चीज़ें आप देखें, 5 मिनट क्राफ्ट अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो घर में ही बना लें, तो जस्ट सेलेक्ट अ प्रोडक्ट, क्रिएट अ प्रोडक्ट, बहुत सारी रॉ मटेरियल आपको वैसे मिल जाता है। आप तो खैर डिलीवरी भी जो है आप कॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर पे जो है वो ला के दे देता है आपको, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस के जो है सिचुएशन में भी आप जो है बना सकते हैं। वी डोंट हैव टू सेल, देखें एक्सपेक्टेड सेल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10,000 सेल आपको करनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड सेल आप जो है बेसिकली मैंशन करेंगे वहाँ। अच्छा एग्जैक्टली अच्छा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी सो फार? सेकेंड समरी जैसे मैं था कि पैराग्राफ में आपको है वो बनानी है, आप एक पैराग्राफ में जो है एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक पैराग्राफ में आप लिखिएगा, जितने क्वेश्चन हैं उसका एक एक पैराग्राफ। ओके, एनी क्वेश्चन? इफ नॉट तो चलो बाद में मिलते हैं, बात करते हैं, और फिर उसके बाद इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेरी और क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, और फिर इंशाल्लाह हम आपको जो है फिर बाद में आपको बताएंगे। सो टेक केयर, दिस मी साइनिंग ऑफ, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जो है फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे मुझे मैसेंजर पे आप कॉल कर सकते हैं, और वी कैन टॉक विद चैट। टिल देन इंशाल्लाह कल तक की क्लास के लिए GE मैट्रिक्स पढ़ के आइएगा, ओके, हो सकता है क्विज हो जाए। सो टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।